आप देख रहे हैं कि पूरा मैदान कंप्लीट तैयार है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। हम सब गाजीपुर जनपदवासी भी तैयार हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव गाजीपुर से रहा है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री होने के बाद आ चुके हैं और फिर आ रहे हैं, इसलिए गाजीपुर में एक अपार उत्साह है यहाँ के लोगों के द्वारा और उनका जोरदार स्वागत गाजीपुर की जनता आज करेगी इसी मैदान पे। कौन कौन लोग शामिल होंगे सर इस मंच पे? प्रधानमंत्री जी के मंच पे अपने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी, केंद्र में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी और अपने सभी प्रत्याशी सातों और अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष और पार्टी संगठन के कुछ प्रमुख नेतागण शामिल रहेंगे। कितनी भीड़ आने की उम्मीद यहाँ जताई जा रही है और तैयारियाँ किस तरह की? भीड़ 1 लाख से ऊपर की संख्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गाजीपुर की जनता की आने की उम्मीद है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इतना गाजीपुर के लोगों का लगाव है कि स्वतः लोग आकर के प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गाजीपुर को बहुत कुछ दिया है। आप देख रहे होंगे कि गहमरी जी के सपने को जो लोकसभा में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो पूर्वांचल की गरीबी का उन्होंने चित्रण किया था और उस चित्रण पे पटेल आयोग बना था, पटेल आयोग की संस्कृतियों को उसमें एक संस्कृति थी कि गंगा नदी को पे पुल बना करके दिलदार नगर और गाजीपुर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, उन संस्कृतियों को 50 साल हुआ लागू करते करते आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उस समय सांसद मनोज सिन्हा जी जब यहाँ थे तो उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद आपने देखा कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ और मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होकर के आज अपनी सेवा दे रहा है जनपदवासियों को। ऐसे ही सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी करने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अनेक ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गाजीपुर के लिए किया है, इसलिए गाजीपुर की जनता वो श्रेय प्रधानमंत्री जी के प्रति है वो आज दिखेगा। धन्यवाद।